हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल ग्लैम विद हंसु। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस पर कैसे विटामिन ए के एवियन कैप्सूल को यूज़ कर अपने फेस को ब्राइट एंड वाइट कर सकते हैं। विटामिन ए के एवियन कैप्सूल में मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे फेस पर जो भी टैनिंग प्रॉब्लम्स, एक्नी प्रॉब्लम्स, रिंकल्स या जो भी पिंपल्स होते हैं उन्हें रिमूव कर हमारे फेस को ब्राइट एंड वाइट करता है एंड जो फाइन लाइंस होते हैं उन्हें भी रिमूव करता है। इसके साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे लगाने से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और हमारे बालों में बाल जो हैं बिल्कुल ब्राइट एंड सिल्की हो जाते हैं। अब मैं इसे यूज़ करके अपने फेस पर आपको दिखाऊंगी। आपने जब भी इसे यूज़ करना है तो किसी ऑयल में मिक्स करके आपने यूज़ करना है, चाहे वो आलमंड ऑयल हो या एलोवेरा जेल में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसे रोज़ वाटर में यूज़ कर सकते हो। जब भी लगाना आप किसी चीज़ में मिक्स करके इसे लगाना, और जो भी इसे पहली बार ट्राई कर रहे होंगे तो सो प्लीज़ वो इसे लगाने से पहले एक बार अपने कानों के पीछे लगा लेंगे और चेक कर लेंगे। 2-3 घंटे बाद अगर उनको कोई असर नहीं होगा, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई ख़ारिश नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगा तो फिर वो इसे यूज़ करें, नहीं तो इसे यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। इसे लगाने से पहले अपने फेस कर अच्छे पहले सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद लेना है एक बाउल। बाउल में हम लेंगे रोज़ वाटर। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ये कैप्सूल। हम एक कैप्सूल लेंगे, इसे पहले इस तरह ऊपर से कट कर लेंगे। उसके बाद इसका लिक्विड हम इसमें निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे, फिर अपने फेस पर हमने इसे लगा लेंगे। अपने फेस पर लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक रहने देंगे और उसके बाद इसे हमें मसाज करना है जिससे हमारे फेस में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। जी, मैंने इसे अपने फेस पर लगा लिया है और लगाने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब हमें इन्हें मसाज कर लेना है। आइस के पास हमें ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करना है, इसे राउंड शेप में ऊपर ले जाके इस तरह मसाज करेंगे जिससे हमारे ये डार्क सर्कल रिमूव हो जाएं। इसका रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं नज़र आएगा, बट आप जब इसे यूज़ करेंगे कंटिन्यू तो फिर आपके फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। मसाज करने से हमारे फेस में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे फेस पे एक प्यारा सा लुक आता है। मसाज करने से जो है हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ता है। अपने इसी तरह से 10 से 15 मिनट मसाज करनी है। आप इसे अपने लिप्स पर भी लगा सकते हो। लिप्स पर लगाने से जो हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा। आईब्रो पे लगाने से हमारी आईब्रो ब्लैक हो जाती है एंड बालों पे मैंने आपको बताया ही, बालों पे लगाने से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और हमारे बाल जो हैं बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। आइस के नीचे लगाने से जो हमारे ये डार्क सर्कल हैं वो रिमूव हो जाते हैं।
10 से 15 मिनट पूरे होने के बाद आप इन्हें नॉर्मल वाटर से वॉश कर ले। अब आप देख सकते हो ये अच्छी तरह हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करके धुल दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पर देखना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।